हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय फ्री एकेडमी चैनल और मेरा नाम है रविंद्र कुमार पूनिया। इस वीडियो में अपन ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी का जो सेवन्थ चैप्टर है उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7.15 जिसमें पूछा गया है गिव द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO4। इसको अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज, ये जो H3PO3 है ये जब हीट किया जाता है इसको H3PO3 को, तब हीट करने से ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। एक तो PH3 कंपाउंड बनाता है और दूसरा कंपाउंड बनाता है ये H3PO4। सो गाइस, इसको डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों है, कैसे पता लगाया जाए, इवन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी मैं बैलेंस रिएक्शन आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है। ये जो H3PO3 होता है इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड इसको अपन बोलते हैं, और जो PH3 होता है इसको अपन फॉस्फीन बोलते हैं। और ये जो फॉस्फीन होता है ये बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होती है। सो इसके कांटेक्ट में आने फैटल हो सकता है इसके कांटेक्ट में आना। और जो H3PO4 है इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको अपन बोलते हैं। सो गाइस, ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सबसे पहले इसको अपन ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसलिए बोला है क्योंकि ये सबसे पहली बात तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है किसी कंपाउंड के किसी एलिमेंट का, प्लस इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब अपने को यही चेक करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन एंड देन ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्यों है। सो गाइस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिसमें एक ही सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, उनको अपन बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर बोला जाए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज कर दी जाए तो उसको बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो अपन उसको बोलेंगे कि वो प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर अपने को पता करना है कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है तो अपने को इसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। सो गाइस, जो ये कंपाउंड है H3PO3 इसमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो हाइड्रोजन है वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ का हाइड्रोजन भी +1 में होगा, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सो गाइज, अपन ये देख सकते हैं कि रिएक्शन होने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन फॉस्फोरस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में है और इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अपन ये जानने के लिए कि क्या ये फॉस्फोरस रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं, इसके लिए अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाएंगे। और गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर अगर H3PO3 का अपने को पता लगाना है तो इसका सिंपल मेथड ये है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, अपने पास 3 हाइड्रोजन हैं, सो 3 हाइड्रोजन की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता लगाना है, इसको अपन एक्स अज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 3 हैं, और ये वाला जो ओवरऑल कंपाउंड है ये न्यूट्रल कंपाउंड है। सो इस तरीके से अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं। सो गाइस, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 + x - 6 = 0 आएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास +3 आएगी। इसका मतलब ये जो फॉस्फोरस है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। अब अपन फॉस्फीन के फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाते हैं। इसके लिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने एक्स एज्यूम कर लिया। हाइड्रोजन के लिए अपने को पता है हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं इसलिए, और ये जो न्यूट्रल कंपाउंड है सो इट विल बी इक्वल्स टू 0। सो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फीन में है -3। अब अपन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो फॉस्फोरस एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाते हैं। तो हाइड्रोजन 3 है, इनकी वजह से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फॉस्फोरस को अपन अज्यूम कर लेंगे x। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है ये टोटल 4 हैं, और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -2 होता है, और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है
तो इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा फॉस्फोरस का, ये आएगा प्लस फाइव. सो यहाँ का जो फॉस्फोरस है ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस जो एलिमेंट है एक तो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री से माइनस थ्री हो गया. तो ये वाला प्रोसेस अपन बोल देंगे ये रिडक्शन है. इसके अलावा फॉस्फोरस का एलिमेंट माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फाइव में पहुँच गया, सॉरी प्लस थ्री से प्लस फाइव में पहुँच गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन. सो गाइज अपन देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. सो डेफिनेटली एक रिडॉक्स रिएक्शन है. बट इसके अलावा एक ही सेम एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी एलिमेंट का यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे. सो गाइज हमेशा याद रखें, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. सो अपन H3PO3 जिसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, अपन याद रखेंगे जब ये डिसप्रोपोर्शनेट करता है तब ये फॉस्फीन और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. इसके साथ में ये याद रखना भी बिल्कुल नहीं भूलें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फॉस्फीन गैस है ये पॉइजनस है या नहीं, तो इसको याद रखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस गैस मानी जाती है. सो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन इवन दो NCERT में है, लेकिन ये IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ये वाला क्वेश्चन दो तीन बार पहले भी IIT JEE एडवांस में पूछा गया है और फिर से पूछ जाने की इसकी पूरी उम्मीद है. इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और ये वाले रिएक्शन हमेशा याद करके रखें. प्लस इस वीडियो में अपन ने पता किया कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं. इसके अलावा अपन ने इन कंपाउंड्स के नाम भी देखे, इनके जो कॉमन नेम है वो भी आपको याद रखने हैं. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं इनको अपन ने किस मेथड से कैलकुलेट किया है. सो गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो, आपको इसको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और माई फ्री अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये अकेडमी आपको ऑनलाइन फ्री वीडियोस प्रोवाइड करेगी. अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. सो गाइस दिस इज इट इज दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. सी यू लेटर.